हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो एक 2-in-1 डी टाइप एम्पलीफायर है, जो आप देख रहे हैं। इस तरह का ये बनाया हुआ है और इसके पीछे ये सारा वायर लगाने के लिए लगाया हुआ है। उसमें ब्लूटूथ का भी अरेंजमेंट दिया हुआ है, उसमें ब्लूटूथ भी है जो आप कर सकते हैं। और दोस्तों उसके अंदर आप USB पेन ड्राइव यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ एक स्विच दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच, जिससे आप सॉन्ग आदि कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। दबाने से पुश हो जाता है, उसका सुविधा यहाँ दिया हुआ है पेन के लिए। और उसके साथ में ये सारे नॉब आते हैं, वो स्क्रू ड्राइवर आता है जो साथ में आते हैं, जो लगाने पड़ते हैं। और दो बड़े कैपेसिटर लगाए हुए हैं साइड में यहाँ पर। फिफ्टी वॉट के मुझे लगता है वही है, बड़े कैपेसिटर है दो लगाए हुए हैं। और ये उसका वॉल्यूम बटन है, जिससे आप ऑन ऑफ में यूज़ कर सकते हैं, जिससे ऑन होता है ऑफ होता है। यहाँ घुमाते हैं तो ये ऑन होता है, यहाँ घुमाते हैं ऑफ होता है। बंद हो गया, ये चालू हो गया। उसमें सुविधा दिया हुआ है, एक्स्ट्रा स्विच लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस तरह से ये पूरा है। और ये 160 वॉट टू चैनल है, 220 वॉट सब ऊपर का उसमें आउटपुट दिया हुआ है, जिससे सब ऊपर चलता है 220 वॉट पर। और ये इसका मॉडल नंबर है जो आप देख सकते हैं। इस तरह से ये है। और ये 15 से लेके 36 वॉट डीसी तक चलता है। तो ये मेरे पास एडाप्टर है, उसमें 36 वॉट 4 एम्पियर तक आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, 36 वॉट का है। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा बनाया हुआ है। जो मैंने दूसरे, मेरे पास ऐसे दो हैं, एक मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया है, वो सारी प्लेटें उसमें सेट करनी पड़ती है, जो इसके ऊपर स्क्रू लगते हैं आदि कुछ करना पड़ता है। नीचे से कुछ है नहीं, नीचे उसका मॉडल नंबर दिया हुआ है और कुछ भी नहीं नीचे। और नीचे ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है, सब ऊपर लेफ्ट लेफ्ट माइनस लेफ्ट प्लस राइट माइनस और राइट प्लस का दिया हुआ है यहाँ पर। ऑक्सिलेटर दिया हुआ है उसके अंदर। इस तरह से दोस्तों है। तो मेरे पास जो सेटअप किया हुआ है उसके अंदर से मैं आपको साउंड चालू करके बता देता हूँ कि उसका साउंड कैसा है। दोस्तों बहुत अच्छा साउंड है। मेरे पास जो 200 वॉट का 12 इंच का डॉगी साउंड का सब ऊपर है, बहुत अच्छा बजता है। और दोस्तों सैटेलाइट स्पीकर मैंने 50 50 वॉट के दो लगाए हुए हैं, पायोनियर कंपनी के, उसके ऊपर ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो दोस्तों मैं उसका साउंड टेस्ट करके भी आपको बता देता हूँ कि उसका साउंड कैसा है। दोस्तों ये ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, वायर लगाया हुआ है, सारे वही मॉडल है जो आपने दूसरे रूम में जो देखा था वही मॉडल है। उसके सारे नॉब आदि सारा उसमें लगाया हुआ है। और दोस्तों उसमें ये नीचे पड़ा हुआ है, ये 200 वॉट का डॉगी साउंड का सब ऊपर है 12 इंच का, उसके ऊपर मैं चलाऊंगा। और ये दो पायोनियर के दो 50 वॉट के ये दो स्पीकर है, उसके ऊपर ये मैं चला चला के आपको दिखाऊंगा। दोस्तों बहुत अच्छा साउंड देता है इसके ऊपर, तो मैं उसका साउंड टेस्ट करके आपको सुनाता हूँ। दोस्तों ये साउंड है उसका, देख लो, ये ट्रबल है उसका।
दोस्तों, इस तरह से उसका साउंड था। बहुत सुपर डुपर साउंड है, अगर ख़रीदते हैं तो उसका पूरा पैसा वसूल है, लेकिन काफ़ी महंगा है दोस्तों। उसके सारे वीडियो यूट्यूब पर तो है, आप वहाँ से जाके प्राइस चेक कर सकते हैं। आप मॉडल नंबर गूगल पे लिखेंगे तो भी आपको उसका प्राइस मिल जाएगा। दोस्तों मैंने अभी ये सेट कर दिया है, यहाँ पर पहले दिखाया वो दूसरे स्पीकर पर किया हुआ था, अब ये टावर स्पीकर पर मैंने ये सेट किया है। ये दो टावर स्पीकर है और ये योकोमा कंपनी का सब ऊपर है, तो मैं उसके पर भी आपको साउंड दिखा देता हूँ कैसा है। दोस्तों इस तरह से उसका साउंड है, इतने बड़े सब ऊपर को भी अच्छी तरह से हिला देता है ये, क्योंकि 220 वॉट है और ये दो 160 वॉट पर ये दोनों बजते हैं दोस्तों। दोस्तों यही वीडियो था, मैंने दो स्पीकर पर अलग अलग टेस्ट करके भी आपको दिखा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।